ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर जिला का राष्ट्र स्तरीय होली मेला 7 से 10 मार्च तक चलेगा, जिसकी तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से जुट चुका है। चौगान पंडाल सजने लगे हैं। इस मेले में पंजाब, हरियाणा व दिल्ली तक के व्यापारी अपने सामान का व्यापार करने पहुंचते हैं। बिल प्रशासन द्वारा मेले की सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमीरपुर जिला का राष्ट्र स्तर होली मेला 7 से 10 मार्च तक चलेगा, जिसकी तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से जुट चुका है। चौगान में पंडाल सजने लगे हैं। इस मेले में पंजाब, हरियाणा व दिल्ली तक के व्यापारी अपने सामान का व्यापार करने पहुंचते हैं। वहीं प्रशासन द्वारा मेले की सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं मेले में सफाई व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन द्वारा अहम कदम उठाए गए हैं। बता दें कि सुजानपुर का होली मेला राजा अवेचंद कटोच ने शुरू किया था। राजाओं के समय होली मेला बसंत पंचमी से शुरू होकर पूर्णमासी के दिन होली का दहन किया जाता था और उसमें राजा अपने रणबांकुरों सहित भी होली उत्सव सुजानपुर के चौगान में मनाते थे। लेकिन जब महाराजा संसार चंद ने सुजानपुर का राजपाट संभाला तो उन्होंने होली की परंपरा को चार चांद लगा दिए। राजा संसार चंद अपनी प्रजा और सभी जातियों के लोगों के साथ सुजानपुर में मौजूद मुरली मनोहर मंदिर में होली का दहन करते थे। वही कटोच वंश के राजपुरोहित राजेंद्र सिंह की माने तो प्रशासन द्वारा उस समय के इतिहास को नहीं संजोया जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो ये होली उत्सव 400 वर्ष से मनाया जा रहा है, लेकिन बदलते जमाने के कारण इस मेले में पौराणिक चीजें देखने को कम मिलती हैं। ये होली उत्सव जो है वो यहाँ के जो पहले राजा अवेचंद कटोच हुए, उन्होंने सर्वप्रथम इस होली को आरंभ किया। ये होली उत्सव जो है वो पहले बसंत पंचमी के दिन से ये होली उत्सव चलता था और जब तक होली का दहन नहीं होता था, पूर्णमासी तिथि को जो है होली का दहन होता था और उस दिन जो है वो सभी राजा लोग और हमारे रणवर बांकुरे सुजानपुर की प्रजा इकट्ठी होकर जो है पूर्णमासी के दिन जो है वो होली उत्सव का दहन करके इसको तो समाप्त करती थी। परंतु जब महाराजा संसार चंद जो है 13 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठे तो सुजानपुर डीरा की होली उत्सव को उन्होंने चार चांद लगाए। महाराजा संसार चंद जो है अपने किले से, जो डीरा गांव में किला है उनका राज दरबार है, ये राजधानी हुआ करती थी। कांगड़ा की कुछ समय तक ये राजधानी भी हुई और वहां से महाराजा संसार चंद जो है किले से अपनी सारी प्रजा को इकट्ठा करते हुए सभी जातियों के लोगों को इकट्ठा करते थे। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते थे और सभी को इकट्ठा करके मुरली मनोहर मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा होकर जो है वो शाम को जो है प्रजा के साथ जो है वो होलिका दहन करते थे और उसके साथ जो है इस होली उत्सव को वो मनाते थे। और कोई भी सरकार जो है पौराणिक साहित्य को नहीं उठा रही है कि कैसे इस होली उत्सव को मनाया जाए, क्योंकि पहले जो है ये होली जो हमारा या संसार चंद ने 3-4 दिन तक इस होली उत्सव को मनाया और पूर्णमासी के दिन जो है इसका दहन और समापन किया। परंतु आज जो है, आज वर्तमान में जो है वो पूर्णमासी को जो है इस होली उत्सव को, रंगों की जो होली होती है पूर्णमासी को नहीं है, इस बार जो है ये 10 तारीख को जो है वो उन्होंने जो है इसके ऊपर जो है अपनी मीटिंग करके या अपना विचार रख कर जो है प्रशासन जो है 10 तारीख को मना रहा है। परंतु पुराने समय में पूर्णमासी के दिन ही इस होली का दहन और होली खेल कर जो है इसका दहन किया जाता है।